Hello friends, welcome to my channel Control Panel Ideas. I am Pramod Parayar. My topic is, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों आप, हम आपको बताने वाले हैं ये ऑफिस में या होटलों में जो भी वायरिंग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं दिया हुआ दोस्तों, ये हमने चार नंबर स्विच लिया है दोस्तों, ये सिंगल वे स्विच है। एक्चुअली हमारे पास स्विच सिंगल वे चार अवेलेबल ना होने के कारण दोस्तों मैंने तीन स्विच टू वे यूज किया है और एक सिंगल वे है। तो आप क्या करना है, इसके लिए एक्चुअली चार स्विच सिंगल वे लगेंगे, तो हमने इसको सिंगल वे के लिए यूज कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये टू वे स्विच का हमने जो आखिरी पॉइंट है इसको हमने खाली छोड़ दिया है दोस्तों, सेंटर वाले में हमने फेस दिया है। ये सिंगल फेस से ये हमने सिंगल स्विच से ये टू वे स्विच में हमने ये सेंटर में कनेक्ट किया, इसको भी सेंटर में कनेक्ट किया और ये भी जो लास्ट का टू वे देख रहे हैं इसमें भी हमने सेंटर में कनेक्ट किया है। इस तरीके से दोस्तों ये फेस पहुंच गया और हमने इसके बाद लिए ये चार होल्डर। तो होल्डर का जो भी फेस वाला वायर रहेगा दोस्तों, जैसा देख रहे हैं ये लगा हुआ है टॉप के हिस्से में, और दूसरा वाला जो वायर रहेगा उसका भी ये लगा हुआ है ऊपर वाले पॉइंट में, और थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला होल्डर जो है थर्ड वाले स्विच में टॉप में लगाया, और ये जो फोर्थ दिया है दोस्तों ये हमने लगा लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ऑफिस है, ऑफिस में चार अधिकारी हैं, चार अधिकारी बैठे हुए हैं, तो चारों अधिकारी, एक बाहर प्यून बैठा हुआ है, अगर किसी को बुलाना है प्यून को कि कुछ काम हो अधिकारी को, तो वो किस तरीके से बुलाएगा, इसलिए इस टाइप की वायरिंग होती है कि चार बल्ब लगेंगे दोस्तों जहां प्यून बैठता है, और वहां पर एक बेल भी लगेगा जिससे मालूम चलेगा कि कौन सी लाइट जली है, और बेल बजेगी जिससे वो सचेत हो जाएगा, तो बल्ब की ओर उसका ध्यान जाएगा कि कौन सा फर्स्ट अधिकारी ने बुलाया है हमको ऑफिस के अंदर, या सेकंड अधिकारी ने बुलाया है हमको ऑफिस के अंदर, या थर्ड अधिकारी ने, या फोर्थ अधिकारी ने। इस तरीके से दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो ये इस तरीके की वायरिंग है, इसको चलिए हम सीधा कर लेते हैं दोस्तों। इसका डायग्राम मैं बता दूँगा वीडियो में आगे आपको किस तरीके से इसका कनेक्शन डायग्राम होगा दोस्तों। तो देखिए ये दिया हुआ है, चलिए इनमें हम बल्ब लगा लेते हैं होल्डर में। देखिए ये बल्ब फिट हो गया, और दूसरा वाला भी ये हम बल्ब लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा ये रंग बिरंगे बल्ब हैं तो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज है दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे एक बेल यानी कि घंटी, जो कि बल्ब तो जलेगा ही, परफ्यूम कुछ इधर उधर काम में या ध्यान ना दे पाया तो मालूम नहीं चलेगा, इसलिए इसमें बेल लगाना ज़रूरी है। बेल से क्या, ये दिया है दोस्तों, ये बेल है हमारी घंटी, तो ये बेल हमने इस तरीके से इसको बेल को लिया, और इसका जो चारों होल्डर को लूप करके हमने न्यूट्रल जो लिया था इसको न्यूट्रल के साथ बेल के एक वायर को हम जोड़ देंगे दोस्तों। इस तरीके से हम जोड़ देंगे और ये बेल जोड़ दिया है, चलिए इसमें टेप मार देते हैं दोस्तों। इसमें हमने टेप लगा दिया है, ठीक है, इस तरीके से इसको हम टेप मार के सेव कर लेते हैं, जिससे हमको करंट वगैरह का शॉक लगने का डर ना रहे। तो चलिए एक अगला वायर बेल का जो बचता है उसमें हम एक वायर का टुकड़ा लेके इस तरीके से दोस्तों जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसको जोड़ दिया है दोस्तों, चलिए इसमें भी टेप लगा लेते हैं दोस्तों।
तो किस तरीके से ये टेप लगा देते हैं जिससे सेफ्टी बना रहा है दोस्तों, ये करंट वगैरह शॉक लगने का झटका ना लगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें भी हमने टेप लगा दिया है। और इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे तो क्या है, इसके बाद हमने लिया एक टेस्ट बोर्ड, ये हमारा टेस्ट बोर्ड है दोस्तों, ये टेस्ट बोर्ड है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हमने इस तरीके से इसको सेट कर दिया है लाइन से चारों बल्ब, और इस तरीके से हमने इसको बेल को लिया, और बेल के बाद ये टेस्ट बोर्ड हो गया दोस्तों। ये टेस्ट बोर्ड में हम चलिए कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई को। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, वो कनेक्ट करने के बाद हम चलिए टेस्ट बोर्ड को ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, देखिए फर्स्ट अधिकारी ने बुलाया और बेल भी बजा, तो बेल थोड़ा हमारा अभी आवाज़ कम कर रहा है, तो इसको देखते हैं, ये बेल एक्चुअली सीरीज में है लेकिन सही तरीके से ये हैंग ना होने के कारण इसमें साउंड कम है। ठीक है, इसको इस तरीके से रख लेते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट अधिकारी ने बुलाया, बेल बजा और ये लैंप जल गया है, और इसके बाद सेकंड अधिकारी ने बुलाया, देखिए दोस्तों ये बल्ब जल गया है सेकंड अधिकारी का और बेल भी बजा। इसके बाद थर्ड अधिकारी ने बुलाया, देखिए दोस्तों ये बल्ब जला और ये बेल बजा। उसके बाद ये चौथे अधिकारी ने बुलाया, दोस्तों ये देखिए बल्ब जला और बेल बजा। इस तरीके से दोस्तों बारी बारी से ये अधिकारी बुलाएंगे और पीन जहाँ बैठा होगा उसको ये संकेत मिल जाएगा कि हमें कौन सा अधिकारी बुला रहा, किस ऑफिस में जाना है, और बेल भी बजेगा और ये बल्ब भी जलेगा। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से ये फर्स्ट अधिकारी ने बुलाया, इस तरीके से दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हुआ और मैंने आपको बताया दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है और इसके डायग्राम के बारे में हम आपको समझा देते हैं, तो ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसका कनेक्शन होगा दोस्तों, और किस तरीके से ये इसका वर्क एवं फंक्शन होगा। तो दोस्तों हमारा चैनल जो कंट्रोल पैनल आइडियाज़ है उसमें अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बराबर वीडियो में आपने वॉच किया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।